हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। और एक बार सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज लुक थोड़ा अलग है क्योंकि दाढ़ी आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा पहाड़ है उसमें कहीं ना कहीं श्राद्ध होती है, पूजा अर्चना होती है पहाड़ों में, पांडव देवता की ज़्यादातर हर गाँव में होती है। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में श्राद्ध है पांडव देवता की, और चलो आपको लेके चलते हैं गांव की ओर और ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, एंड लेट्स गो। तो दोस्तों, ये अपने गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार। ये आजकल टमाटर की फसल निकल चुकी है और ये मिर्चें लगी हैं भाई, मक्की भी स्टार्ट हो चुकी है। अब गाँव में मक्की चोर आएंगे बहुत तगड़े वाले और हर किसी की मक्की लेके जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे गांव के बाजगी माहिल दास हैं। माहिल दास जी, अभी जो मैं देख रहा हूं कि आज पांडव की श्राद्ध है जी, जो ये पांडव की श्राद्ध है, ये मतलब क्यों इसको मनाते हैं लोग, क्या इसका मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये है इसका कि ये जो है पांडव नृत्य है और ये सावन के महीने हर समय होता है। और पांडव नृत्य जो है वो द्रौपदी और खाती अर्जुन इनके नामों से जाना जाता है। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है पांच पांडव का नृत्य, और बने रहिए ब्लॉग में।
अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अब गंगनानी के पास एक कुंड है हमारा पुरानी कुंड वहाँ पे, और आप देख सकते हो तमाम जो बसुआ लोग हैं वो बैठ चुके हैं अपनी अपनी गाड़ी में।
यहाँ से हम चल चुके हैं गांव की ओर और यहाँ पे हो चुकी है पूजा समाप्त। तो मिलते हैं दोस्तों आपको गांव में। और एक छोटू का ब्लॉग हमारे साथ छोटू हुआ।
हेलो दोस्तों, तो हमारा जो देखना भाई इसने क्या कर दिया। तो दोस्तों पांडव की सराद समाप्त हो चुकी है, और कैसा लगा आपको ये व्लॉग? और यदि आप इस बारे में थोड़ा जानते होंगे सराद के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।